मुझे लगा था वो औरत वापस लौट के कभी नहीं आएगी, पर 21 साल खत्म होते ही यहाँ आ धमकी। पता है क्यों? हमसे बदला लेने के लिए। हे कृष्णा, मैं तो आ गई हूँ तुम्हारे पास, तुम्हारी सेवा करने। और वो तुलसी तो इसी इरादे से आई है कि वो तेरे बाबा को फिर से फांस सके। बाबा साहब का बेटा शाश्वत, हम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं था। मेरी सबसे अच्छी सहेली सरस्वती का भाई था, वो अच्छा इंसान था। बस उसने कभी हमारा अपमान भी नहीं किया, हमारी मदद करता था। लेकिन फिर भी सबने मुझ पर लांछन लगाई, खास तौर पर उसकी पत्नी ने। क्या सफाई देती मैं सबको, किसी की सोच तो नहीं बदल सकती ना। लोगों की सोच से क्या डरना, अपना दिल साफ होना चाहिए। और हम जानते हैं कि हम क्या है, हमें गर्व है हमारी परंपरा पर। हमने जब कोई गलत काम किया ही नहीं तो चोरों की तरह क्या जिएंगे हम? और क्यों? देवा ने लिखा ये नसीब, इसीलिए हम कृष्णदासी बने। और इस बात की कोई शर्म नहीं है हमें, और ना कभी रहेगी। गंदे हम नहीं, गंदी उनकी सोच है। गंदी नजर से देखोगी ना तो गंगोत्री से निकली गंगा भी मैली ही नजर आएगी, समझ ली? आई, लेकिन तू थी कहां अब तक? अगर मैं जहां भी थी मैं एकदम ठीक थी। ये सब छोड़, तू उस प्रद्युम्न के घर पे कैसे पहुंची? और तेरी दोस्ती हुई कैसे उसकी पोती गायत्री से? पहले शंखनाद, फिर मंदिर में नाच, तांबड़े की बेटी की शादी में आशीर्वाद देना, रथ यात्रा में जो तमाशा हुआ सो अलग, और आज, आज तो उसने हद ही कर दी। हमारे घर में आके ये नाच गाने का तमाशा करके जैसे उसने जंग का ऐलान ही कर दिया हो, जैसे वो कहना चाह रही हो कि वो आज भी अपने रूप से तेरे बाबा को फांस सकती है। आर्यन, तूने देखा ना, देखा ना कैसे तेरे बाबा के कहने पे वो तुरंत यहां से चली गई। और तेरे बाबा जिन्होंने आज तक तुझ पे हाथ भी नहीं उठाया, वो आज ये भी कर बैठे। ऐसा लगता है कि तेरे बाबा के दिल में आज भी उसके लिए हमदर्दी है। आई तो चिंता मत कर, दो पीढ़ियों से उन देवदासियों ने हमसे जंग छेड़ रखी है, अब ये तीसरी पीढ़ी वो जंग लड़ेगी। मेरे होते हुए किसकी क्या हिम्मत की तरी जगह लेने की कोशिश करे? तुम्हारे हर आंसू का मोल अब चुकाएगा देवदासियों का परिवार। तेरे आंसू की हर एक बूंद का हिसाब देगा प्रद्युम्न विद्याधर राव और उसका परिवार। हमारी दो पीढ़ियां उनका अन्याय सहती आई है, तीसरी पीढ़ी उनके हर अन्याय का जवाब देगी। इतना अच्छा चल रहा था सब कुछ, बिना मतलब के उस ताता भैया ने यहाँ आके पूरे जश्न की वाट लगा दी। तौबा तौबा, इतनी बेशर्मी से नाच रही थी वो। वैसे एक बात तो है सरकार, जश्न में आए सारे मेहमान पूरे नाच का गदगद होके आनंद ले रहे थे। लेंगे क्यों नहीं, मुफ्त का तमाशा देखने का जो मिल रहा था। अच्छा ही है, हींग लगे ना पिटकरी और रंग चौका होए। बकवास बंद कर बनवारी। वो औरत बिना हमारी इजाजत लिए हमारे घर में घुस आई, हमारे पोते का मूड खराब किया, और तू उसके नाच का गुणगान कर रहा है। गुणगान गाए मेरी जूती सरकार। ये तो अच्छा ही हुआ कि आर्यन बाबा ने उन सब के सामने उसकी ऐसी हितैषी कर दी।
अनवारे सरकार क्या सरकार क्या हुआ बच्चा, दिमाग ठंडा नहीं हुआ तुम्हारा? अभी अबा मुझे हैरानी हो रही है, आपने उस देवदास को इस घर में नाचने क्यों दिया? देखते उसे घर से बाहर क्यों नहीं निकाल दी? सबके सामने हमारे घर की बेइज्जती करके चली गई और आप चुपचाप देखते रहे, क्यों अबा? सीताराम जल्दी, नहीं मुझे नहीं चाहिए। ले बच्चा दो घूंट पी ले। शाबाश, तेरे दिल में उन देवदासियों के लिए हमारी जितनी ही नफरत देखकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है बच्चा। और सच कहे तो गुस्सा तो हमें भी आया था, फिर सोचा कि खुद को कृष्णदासी कहने वाली इन देवदासियों की औकात ही ये है कि दूसरों की महफिल में जाकर तवायफों की तरह नाचे। उसने खुद ही सबको बता दिया कि कृष्णा कृष्णा का रट लगाने वाली औरतों के दिल में कितनी गंद भरी है। तो अबा उन्हें इस घर में इस गांव में नजर भी नहीं आना चाहिए ना? अगर आप उन्हें सबक नहीं सिखाएंगे तो मैं अपने तरीके से कुछ ना कुछ कर बैठूंगा। शांत हो जा मेरे शेर, शांत हो जा। जब तक तेरे आबा जिंदा है ना, तुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। वैसे तो एक झटके में हम उनको यहां से निकाल कर बाहर फेंक देंगे, लेकिन एक बात हमेशा याद रख, कालिक को हाथ लगाएगा ना तो तेरा ये हाथ काला होगा। तो अब हम चुपचाप बैठेंगे और उन्हें अपनी मनमानी चलाने देंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे उसने हमारे पोते का मूड खराब किया है। अब तो देख इतनी मुश्किलें खड़ी कर देंगे हम उनके लिए कि मजबूर होकर वो खुद कृष्णावती छोड़कर चली जाएंगी। तो देख एक बात याद रख, इन छोटे छोटे प्यादों के लिए राजा को खुद को मैदान में उतरने की कोई जरूरत नहीं। और अब तू आ गया है ना, हमारी परंपराओं की विरासत को संभाल ले। अरे वाह बाके बिहारी, नाचे बनवारी ताता भैया। आबा साहेब ने ऐन वक्त पे अपने पोते को मना लिया, वरना बनवारी बेटा तेरी दुकान का उद्घाटन होने से पहले ही उसको तो हो जाता। चल चल। क्या सरस्वती यहाँ कृष्णावती में है अस्पताल में और उसे कैंसर है? तू उसे देखेगी ना तू पहचान नहीं पाएगी उसे। अपने भतीजे को आशीर्वाद देने आई थी और उस राक्षस जैसे बाप से भी मिलने, और उसने क्या किया, अपनी ही बेटी को अपने घर से अक्के मार कर निकाल दिया। बेचारी सरस्वती सड़क पर पड़ी हुई मिली मुझे, अच्छा हुआ मैं वहां सही वक्त पर पहुंच गई, वरना आज सरस्वती। और वहीं से मैं उसे अस्पताल भी लेकर गई। तो तूने मुझे अस्पताल से फोन क्यों नहीं किया आई, मैं तुरंत वहां आ जाती। चल कोई बात नहीं, अभी चलते और वहां जाकर सरस्वती से मिलकर आते। नाय गनाय अभी वो आराम कर रही होगी, वैसे भी उसका पति माइकल और उसका देवर है उसके पास। ये क्या हो रहा है आज, पहले आराध्या वहां हवेली में और अब सरस। आज का दिन बहुत बुरा है। कितना बुरा दिन था यार, देवदासी ने पूरी पार्टी बर्बाद कर दी। हाँ मैंने भी देखा था, पता है आई रोते हुए अपने कमरे में आई थी, पर ऐसा क्या हुआ था आर्यन? अब सच तो बता नहीं सकता इसे, वो तो जानती है ना ताई, पार्टी मेरे लिए थी तो आई को बहुत बुरा लगा, और आबा तो उन देवदासियों से नफरत करते हैं, बिन बुलाए आई और पूरी पार्टी बर्बाद कर दी। तो तू सही कह रहा है, आजबा उन देवदासियों से बहुत नफरत करते हैं ना, ठीक वैसे ही नफरत जैसे वो मुझसे करते हैं। ताई पागल हो गई है तू, यहाँ बैठो।
ताई तू तो जानती है ना कि तेरे भाई तुझसे कितना प्यार करता है। लेकिन आर्यन, तू तो कुछ ही दिनों में वापस चला जाएगा ना, उसके बाद तेरी ताई से कौन प्यार करेगा? नहीं, अब मैं अपनी फैमिली को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। पर तेरी पढ़ाई का क्या होगा? नो आर्यन, तुझे हॉस्टल जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करनी होगी। ओके मैडम, लेकिन तुम जानती हो ना कि आबा हमेशा से चाहते थे कि मैं यहाँ उनके साथ रहूं, और अब मैं भी चाहता हूँ कि फैमिली के साथ ही रहूं, स्पेशली आई के साथ। एंड आई थिंक आई को मेरी जरूरत है। पर आर्यन, तेरी पढ़ाई का क्या होगा? ना, करेस्पोंडेंस से करूंगा, प्रॉमिस, कल ही जाकर मैं फॉर्म भरूंगा, और एक और फायदा होगा यहाँ रहने से। क्या? तुम मुझे पढ़ाओगी, तुम भी अच्छे मार्क्स आएंगे, मैं अच्छे मार्क्स से पास हो जाऊंगा। डील डन। यहाँ रहूंगा तभी तो आई की जिंदगी से उस देवता से तुलसी को निकाल पाऊंगा। ये ले, गरम दूध है, पी ले। आई बैठना। तुझे याद है छोटी थी जब तू स्कूल जाती थी तो अपना पूरा टिफिन अपने दोस्तों को खिला कर आ जाती थी, और फिर घर आकर भूख लगी है चिल्लाने लगती थी। तो करती भी क्या, मेरे सारे टिफिन में तो इतनी सारी चीजें, इतनी सारी वैरायटी डालती थी कि मेरे सारे फ्रेंड्स टूट पड़ते थे, मुझे कुछ खाना ही नहीं मिलता था। पूना के हॉस्टल में भी तेरी एक पक्की सहेली है ना, क्या नाम था उसका? शिवानी है ना? तो शिवानी ही है या और भी कोई दोस्त बनाया तुमने? तुमने मुझे दो बार बचाया, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स के बीच थैंक यू और सॉरी कहने की जरूरत नहीं होती। यू डोंट हैव टू थैंक मी। खबरदार जो मुझे हाथ लगाया। आई लाइक इट। स्टॉप इट, लीव माय हैंड। अब जब भी मैं कंदील को देखूंगा ना तुम्हें याद करूंगा। अरे मैं तुझसे दोस्तों का नाम पूछ रही हूँ और तू मुस्कुरा रही है, बता ना। हाय, बनाए हैं ना बहुत प्यारे दोस्त, हर मुश्किल में साथ खड़े रहने वाले दोस्त, प्रोटेक्ट करने वाले दोस्त, उदास हो तो हंसाने वाले दोस्त, हमेशा याद आने वाले दोस्त। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर उन्हें फोन कर, बात कर उनसे, अच्छा लगेगा तुझे भी और उन्हें भी। तो चाहे जितना भी छुपा ले, मैं अच्छी तरह जानती हूं आज मैंने तुझे जो कुछ बताया है तू अभी भी उसी के बारे में सोच रही है। अरे नहीं आई, बहुत अच्छा हुआ जो तूने मुझे सच बता दिया, मेरे यहां रहने का मकसद ना और मजबूत हो चुका है। आई, मैं तेरी और आजी के चेहरे पर हमेशा स्माइल देखना चाहती हूँ। अरे आई, ये आंसू मुझे दे दे ठाकुर। काश कि तू यहां आती ही ना, पता नहीं कैसे और कब तक बचा पाऊंगी मैं तुझे कृष्णावती के कुछ लोगों की तकियानुसी सोच और बिना मतलब की परंपराओं से। आज का अखबार स्पेशल है छोटी मालकिन, गायत्री बिटिया की फोटो छपी है इसमें। फोटो दिखाओ। एग्जाम में टॉप किया मेरी बेटी ने, इसीलिए उसकी फोटो छपी है, बहुत मेहनत की है गायत्री ने, इसे नाम तो मिलना ही चाहिए। मैं अभी जाके उसके लिए कुछ लेकर आता हूँ। अरे नाश्ता तो करके चाहिए। हाँ क्या करता हूँ, ये जल्दी से जाके फोटो गायत्री को दिखाता हूँ, जाओ मैं आता हूँ। बेटी के लिए इतना खुश नहीं होना चाहिए था, अब्बा साहब को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मेरी फोटो न्यूज़पेपर में, वाह।
मालूम है इस फोटो को सबसे पहले मैंने ही देखा था और फिर सबको पूरे घर में दिखाया। आई पापा ने देखा? हाँ। और आर्यन ने? वो तो सुबह घर में थे ही नहीं। और आजबा ने देखा ये फोटो? नहीं, अभी तक तो नहीं देखा। तो फिर जल्दी जाकर इस न्यूज़पेपर को डाइनिंग टेबल पर रख दो। आजबा सबसे पहले आकर पेपर पढ़ते हैं। मैं देखना चाहती हूँ कि वो मेरा फोटो देखकर कैसे रिएक्ट करेंगे। आज शायद शायद पहली बार आजबा मेरे लिए खुश होगी। चल अभी रख के आती हूँ। भूख लगी है, क्या क्या बना है नक्कू भाई? हलो, ऐसा लग रहा है जैसे भूख से मरे जा रहे हो तुम। पापा को आने तो दो जरा। अरे घर के सभी लोग बड़े खुश लग रहे हैं और एक पार्टी मिलने वाली है क्या? नक्कू भाई वो पार्टी में आज बासुंदी वगैरह बनाना, काजू वाजू डाल के ऐसा। कौन दे रहा है पार्टी? कौन दे रहा है पार्टी? आबा साहब देखिए ना, गायों की न्यूज़पेपर में फोटो आई है। कहाँ है गायू? गायत्री, बहुत अच्छी बात है, हमारे खानदान का नाम रोशन कर रही है तू। खुशी हुई तेरी कामयाबी देखकर। खानदानी की ये झंडे काट रही है तू बाप। ये ऐसे कपड़े पहनकर बाहर जाती हो? पता नहीं तुझे, हमारे खानदान की लड़कियां बिना ओडीडी घर से बाहर नहीं जाती। क्या बाहर जाने के बाद भूल गई तू सब? बाकी लोगों को देखो, ऐसे उछल कूद करें जैसे ओलंपिक मेडल लेकर आई है। पार्टी में देशमुख साहब आए थे, बड़ा औहदा है उनका, उनके बेटे के लिए इसे पसंद किया है। आज सुबह फोन आया था, हम बात पक्की करने के लिए उन्हें बुलाने वाले हैं। इससे पहले कि ये कोई और गुल खिलाए, हम चाहते हैं इसकी शादी करके इसे घर से बाहर भेज दें। आजबा प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं शादी नहीं करना चाहती, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। लड़की होकर जुबान चला दी, ये सब इसकी पढ़ाई लिखाई का नतीजा है, लेकिन हम भी जबान का तरना जानते हैं। वैसे भी काफी समय हो गया ना तुझे सजा मिले। तभी अपनी सीमा से बाहर जा रही है तू। मार्कन जी आवाज़ है, ले जा इसे इसके कमरे में और तब तक बंद रहे जब तक इसकी अकल ठिकाने ना आए। प्लीज ऐसा मत कीजिए। मार्कन जी आजबा प्लीज मुझे कमरे में मत बंद कीजिए। अभी सर वो छोटी है, अभी रहने दीजिए ना। यही सिखाया तुमने कि बाहर जाकर हमारे खानदान की नाक कटवा दे? अच्छी तरह जानते हैं हम किसने ये बीज बोया है। किसने इस लड़की के दिमाग में आसमान में उड़ने का ख्वाब पक दिया है?
जी नमस्ते। एक सफेद गजरा दे तो मेरी बेटी के लिए, और एक लाल गजरा भी दे। कितना हुआ? 50 रुपए वाली। कितना? पैसा नहीं मिला। कोई बात नहीं छोटे साहब, बाद में। नहीं नहीं, उसमें बहुत जरूरी कागजात भी थे मेरे। पता नहीं मैंने कहा था, मैं घर से लेके निकला था, कहाँ गिर गया? Excuse me, sir. सर, मैं वहां बैठ के चाय पी रहा था, देखा कि आपका पर्स गिर गया। अरे मैं वहां आया तब तक आप यहाँ आ चुके थे। थैंक यू। कुछ चेक कर लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट मिसिंग तो नहीं? नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। यही कृष्णावती में रहते हो? नाम नाम जान सकता हूँ आपका? ईसाई के नाम से उसके घर जाओगे ना तो कदम भी नहीं रखने देगा वो। तो आज से तेरा नाम देवेश। सर मेरा नाम देवेश। देवेश सर, आप मुझसे इतने बड़े हैं, आप मुझे प्लीज आप मत कहिए। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। आज के स्वार्थी और लालची दुनिया में तुम्हारे जैसे लोग मौजूद हैं, ये जानकर बहुत खुशी हुई, अच्छा लगा तुमसे मिलकर। सर मेरा तो यही मानना है कि आदमी की सबसे बड़ी दौलत उसका ईमान है, और जिस आदमी के पास ईमान नहीं ना, वो आदमी नहीं। बिल्कुल सही कहा। ये बेटा रख लो। नहीं नहीं सर, ये आप क्या कर रहे हैं? आप पैसे देकर मुझे मेरी नजरों से गिरा रहे हैं। ये तो तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है, और मुझे लगता है कि इंसान को अपना इनाम तो रख ही लेना चाहिए। रखो। सर आप इनाम देना चाहते हैं तो आप अपनी ब्लेसिंग्स दे दीजिए बस। बस बस बस। तुमने ये नहीं बताया कि तुम यहीं कृष्णावती में रहते हो या कहीं बाहर से आए हो? जी मैं यहीं रहता हूँ। नहीं वो मैं पहले आज से पहले कभी देखा नहीं, इसलिए पूछा। क्या करते क्या हो? वो एक्चुअली मैं मैनेजमेंट का कोर्स करने बाहर गया था, तो अभी कुछ दिन पहले ही लौटा हूँ। अगर मैं तुम्हारे किसी काम आ सकता हूँ तो जरूर बोलना मुझे। सर अभी एक्चुअली अभी तो जॉब ढूंढ रहा हूँ आजकल, अगर आप कुछ करना ही चाहते हैं तो मुझे कहीं रेफर कर दी। हेलो, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, कल आके मुझसे मेरे ऑफिस में मिलना, मैं देखता हूँ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू, बाय। आतुबा प्लीज प्लीज। रोना नहीं, मैं तुम्हें भी रोतूंगा। रोना नहीं। मुझे बुरा लग रहा है तुम्हारी ये हालत देखकर, खुद पर गुस्सा आ रहा है। हवा साहब ने मुझसे करवाया। नहीं नहीं गायो, नो नहीं ना गायो, चुप हो जाना बेटा। तुम तो जानती हो ना, आवा साहब तो पुराने ख्यालों तो के है, और तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, मैं कुछ ना कुछ करूंगा तुम्हारे लिए। मैं करूंगा तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ। यहाँ बैठकर क्या कर रहे हो तुम? कमरा बंद करने में इतना टाइम लगता है क्या? बिचारी कब से रो रही थी, मैं समझा रहा था इसे, हो ना? अनु प्लीज अगर प्लीज आप मुझे लॉक मत करो, दरवाजा बंद मत करो। अगर पूरी गायू आइक मजा, बाबा के खिलाफ कोई जा सकता है भला? तुम्हें तो सोच समझ कर काम करना चाहिए था ना बेटा, तुमने तो खुद से ही खुद पर आफत ला दी है। बस
आखिर तू कैसे भूल गई कि तू इस घर की लड़की है, लड़का नहीं? हाँ चलाओ, प्लीज बात, प्लीज अतू, 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 चलो। अब दिन भर यहीं खड़े रहना है क्या? चलिए। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि ससुराल में रहने का एक फायदा ये भी है, बिना दिवाली बोनस मिल रहा है, तो भाई किसको बुरा लगेगा? कहाँ रह गए? माया। आई। कोई दरवाजा खोलो। आई दरवाजा खोलो। हाँ शिवानी, बस थोड़ा सा काम खत्म कर लूँ, उसके बाद मुझे ओपन यूनिवर्सिटी जाना है, फॉर्म भरना है, कल लास्ट डे है, जानती है? अरे मैं तुझे बताना भूल गई, वरुण मुझे बता रहा था कि आर्यन ना तुझे बहुत बुरी तरह ढूंढ रहा है। तेरे पूना वाले घर में क्या? उसने तुझे कितने कॉल्स, कितने मैसेजेस किए। तो उसका फोन क्यों नहीं उठा रही है? हाँ, उसका फोन और SMS आया था, पर जानबूझ के मैंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। नहीं बताया शिवानी? मैं क्या बताती उसे, क्या कहती उससे? अरे नहीं यार, ना फोन का जवाब दिया ना मैसेज का जवाब दिया, तो ज्यादा ही भाव खा रही है। क्या पता उसे फ्रेंडशिप रखने में भी इंटरेस्ट है या नहीं है। एनीवेज मेरे पास भी फालतू का वक्त नहीं है अभी, बहुत कुछ करना है यहाँ, फैमिली के लिए और स्पेशली मेरी आई के लिए बहुत जरूरत है यार उन्हें। मैं ये सीरियस टाइप की बातें कब से करने लगा, कुछ हुआ है क्या? हाँ हाँ, होने के लिए तो बहुत कुछ हुआ है। मेरे गाँव में ऐसी कुछ चीजें जो मेरी आई को बहुत तकलीफ देती है। चलिए इसे फुर्सत से समझाऊंगा मैं तुझे, अपनी बात बता शिवानी कैसी है? तेरे जाते पता नहीं क्या हो गया उसको, आर्यन भी बिना एग्जाम्स भी चला गया यहाँ से। पर ऐसा क्यों किया उसने? लगता है तुझ पे दिल आ गया उसका। प्लीज हाँ शिवानी, ऐसा कुछ भी नहीं है, वी आर ओनली फ्रेंड्स। रहने दे, ओनली फ्रेंड्स से ना ज्यादा ही लग रहा है मुझे, तेरे ना दिमाग में सिर्फ रोमांस भरा हुआ है। वरुण के साथ रोमांस करते करते ना मुझे हर जगह रोमांस ही नजर आता है। तू कितना भी टॉपिक चेंज कर ले, लेकिन ये बात तो पक्का है कि राधे के लिए तेरे दिल में कुछ अलग ही फीलिंग है। चल मिला देता हूँ तेरी हाँ में हाँ, अलग स्पेशल खास हर तरह की फीलिंग है मेरे दिल में आराध्या के लिए। अब क्या करूँ, ढोल नगाड़े बजवाऊं? याद है ना तुझे, शिवानी और मुझे मिलवाने के लिए तूने लव पुराण से कितना लंबा चौड़ा चैप्टर सुनाया था, और बेटा जब बात खुद पर आई तो इतनी जल्दी हार मान रहा है? नहीं यार, हार मानने की बात नहीं, बस फिलहाल की जो प्रायोरिटी से वो बदल चुके हैं। सबसे पहले मुझे आई की जो प्रॉब्लम है सॉल्व करनी है, और मुझे ओपन यूनिवर्सिटी में फॉर्म भरना है। अभी तक तूने फॉर्म भी नहीं भरा है? बस अभी जा ही रहा हूँ यार, अपने कुछ नोट्स वोट भेज देना मेरे पढ़ाकू दोस्त। ठीक है यार शिवानी, फॉर्म भरने के बाद पढ़ाई के साथ साथ मुझे आजी और आई का ध्यान रखना है। इस गांव में बहुत सारे चैलेंजेस हैं मेरे लिए, बहुत सारी बातें जो मुझे बदलनी है। एनीवेज तू बता, वरुण के बारे में आंटी और अंकल को बताया कि नहीं? नहीं आरू, अभी तो हिम्मत नहीं हो पा रही है, 3 दिन के बाद ना एग्जाम्स खत्म हो रहे, तब कोशिश करती हूँ। तो ऑल द बेस्ट मैडम, एग्जाम्स के लिए भी एंड मम्मी पापा से बात करने के लिए भी। थैंक यू, चल मैं तेरे को बाद में कॉल करती हूँ, ठीक है? बाय। आराध्या, कल ट्रैक पे जाने की जरूरत नहीं, ओके? आई कहती है ना, प्यार से भी जरूरी है काम, प्यार सब कुछ नहीं होता जिंदगी में, तुझे आई और आजी के लिए बहुत कुछ करना है। आई इतने बरस हो गए हैं, वो मुझे पहचान तो लेगी ना? गवेड़ी तेरी बचपन की सहेली है, वो कैसे नहीं पहचानेगी? मुझे आज भी याद है, बाबा साहब से छुप छुप कर मिलते थे हम दोनों। हेबक तुलसी, सरस्वती इधर ही है, वो देखो। हाँ तू उससे मिल ले, मैं जरा डॉक्टर से मिलकर आती हूँ। हाँ हाँ जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही किया, डेविड से देवेश बनकर मैंने शाश्वत राव के दिल में जगह बना ली। शाबाश शाबाश,
पर देख ध्यान से, ये पहला कदम है, मंजिल बहुत दूर है। आंख कान नाक सब खोलकर आगे बढ़ना। सब ठीक है, मैं ना सबसे छुपकर आपसे मिलने आई, और आपको तो पता है ना, आबा साहब को पता चला तो, पर मैं आई को बता के आई हूँ। अच्छा किया, आओ अंदर आओ, बैठो। ताई, मैं ना तुम्हारे लिए आई के हाथ से बनी हुई पूरनपोली लेकर आई। सो स्वीट, थैंक यू। ताई, आपने मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली। अरे, इसलिए ना मैं सबसे पहले अपनी खुशी आपके साथ मनाना चाहती थी। पता है ताई, मैंने अपने आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए ना ओपन यूनिवर्सिटी से फॉर्म भरा है। ओ, ये तो बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेट्स। हाँ ते, अब मैं चलती। ताई, तुम मुझे कभी कभी पढ़ा लिया करेगी क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर पढ़ाऊंगी। पर फिर मुझे छुप छुप कर आना पड़ेगा, और मैं आपको फिर से मुसीबत में नहीं डालना चाहती। और आपको तो पता है ना? हाँ पता है, सब लोगों को ये पता है कि मैं देवदासी की बेटी हूँ, और यहाँ पे बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है। भला माफ कर दो ताई। अरे केतकी, तुम क्यों माफी मांग रही हो? जिनकी गलती है मैं उनसे माफी मंगवा के रहूंगी। अच्छा और बताओ, आई कैसी है? अच्छी है। अच्छा ताई, अब मैं चलती हूँ। एक मिनट रुको। तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट, कैसी है झुमकिया? तुम पे बहुत अच्छी लगेंगी, लो। नहीं ताई। अरे ताई कहती हो ना मुझे, रखो इसे, तुम पे बहुत जचेंगी। और हाँ, जब भी मन करे ना यहाँ पर चले आना, और देर तक रुकती आपके पास। पर आपको पता है ना, आबा साहब ने तामिल चाचा की लड़की के साथ क्या किया, इसलिए चलो ताई, मैं ये थे। हाँ हाँ, संभाल के जाना। यहाँ के लोग बुरे नहीं है, बस आबा साहब के डर से उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, लेकिन मैं उनसे नहीं डरती। मैं अपनी आजी और आई के पास यहाँ पर आ गई। अब मैं कृष्णावती से नहीं जाने वाली, यही रहकर अपनी आजी और आई को सपोर्ट करूंगी हमेशा।